इसराइल अमेरिका को सताया ईरानी प्रतिशोध का डर। हमले की तैयारी के लिए ईरान में दिखी ड्रोन की मूवमेंट, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट। ईरान के जखीरे के वो घातक ड्रोन जिन्हें तेहरान कर सकता है इसराइल पर इस्तेमाल। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर 1 अप्रैल को हुए हमले के बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। इस भीषण हमले में ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 7 बड़े अधिकारियों को खो दिया, जिनकी मौत का बदला लेने के लिए ईरानी टॉप ब्रास ने इसराइल को उसकी कीमत चुकाने की धमकी तक दे डाली थी। और इसी ईरानी जवाबी हमले की खबरों के बीच इजरायली सेना हाई अलर्ट पर है। इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों को न टालने वाली ईरानी प्रतिशोध का डर सता रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि तेहरान इजरायल के अंदर सैन्य स्थलों को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने खुफिया रिपोर्ट से मिली जानकारी को लेकर दावा किया कि ईरान में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों सहित सैन्य संपत्ति की मूवमेंट देखी गई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस कदम से ऐसा संकेत मिलता है कि तेहरान संभवतः अपने क्षेत्र के अंदर से इजरायली ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान इजरायल पर हमला करने के लिए करेगा ड्रोन का इस्तेमाल। ईरान के ड्रोन्स ने पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है, जिसमें कम दूरी के यूएवी और लंबी दूरी के हथियार शामिल हैं। तेहरान ने रॉकेट और प्रोपेलर संचालित लंबी दूरी के टोही हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ड्रोन का कई बार प्रदर्शन किया है। जब ड्रोन की बात आती है तो ईरान ने घरेलू डिजाइन के ड्रोन तो बनाए ही, साथ ही उसने कुछ अमेरिकी और इजरायली ड्रोन्स पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी ड्रोन बनाए हैं। ड्रोन्स जिनका ईरान इजरायल के ऊपर कर सकता है सबसे अधिक इस्तेमाल। यूं तो ईरान के पास दर्जनों ड्रोन्स के डिजाइन हैं, जिनमें से यह चुनने में काफी मुश्किल है कि ईरान अपना बदला लेने के लिए कौन से ड्रोन का उपयोग कर सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर तेहरान ने इसराइल पर ड्रोन हमला करने का फैसला किया तो ड्रोन की रेंज इसमें भारी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान के सबसे पश्चिमी क्षेत्रों और यहूदी राज्य इसराइल के बीच की दूरी 1000 से 1300 किलोमीटर के बीच की है। हालांकि क्षेत्र में ईरान के प्रॉक्सी के नेटवर्क के जरिए संभावित इजरायली लक्ष्यों और ड्रोन लॉन्च बिंदुओं के बीच की दूरी 100 किलोमीटर तक हो सकती है। शहीद 136 ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी और शहीद एविएशन इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया एक अद्वितीय सरल और कम लागत वाला डेल्टा विंग ड्रोन डिजाइन है। उपग्रह नेविगेशन और जड़त्व निर्देशित यूएवी को युद्ध सामग्री केमिकेज ड्रोन की कैटेगरी में रखा गया है। शहीद 136 को प्रमुख बुनियादी ढांचे, किलेबंदी, युद्धपोतों, सैन्य और अन्य रणनीतिक और युद्ध क्षेत्र लक्ष्यों को लक्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। शहीद 136 का वजन 200 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 3.5 मीटर है, जो 2.5 मीटर के विंग स्पैन के साथ उड़ान भरता है। इसकी अधिकतम स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 50 किलो का पेलोड लेकर 2500 किलोमीटर की रेंज तक उड़ सकता है। इसमें पिस्टन इंजन लगा हुआ है, जो ट्विन ब्लेड पुशर प्रोपेलर का शक्ति प्रदान करता है। मोहाजेर 10। ईरान के तरकश में सबसे नए ड्रोन डिजाइनों में से एक है। 2023 में लॉन्च किए गए बहुउद्देशीय यूएवी को निगरानी, लंबी दूरी के हमलों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और पूर्ण स्पेक्ट्रम श्रेष्ठता के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान की सबसे पुरानी ड्रोन निर्माता कंपनी कोर्ट्स एविएशन इंडस्ट्रीज कंपनी द्वारा इसे डिजाइन किया गया। मोहाजेर 10 एक मध्यम ऊंचाई लंबे समय तक चलने वाला यूएवी है। ये ईरान के बेड़े में सबसे बड़े मानव रहित हवाई विमानों में से एक है। मोहाजेर 10 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये 300 किलोग्राम तक का वजन ले जाने में सक्षम है। ये ड्रोन उन्नत इलेक्ट्रॉनिक और खुफिया प्रणालियों से लैस 24 घंटे के लिए 7000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। मोहाजेर 10 देखने में अमेरिकी ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन की तरह लगता है। अराश 2। ईरानी रक्षा उद्योग संगठन द्वारा निर्मित अराश 2 एक प्रोपेलर संचालित स्ट्राइक ड्रोन है। साल 2020 में इसे ईरान की सेना में शामिल किया गया। इस ड्रोन को रणनीतिक लक्ष्यों के खिलाफ हमलों के लिए डिजाइन किया गया है।
विस्फोटकों के अपने पैकेज के अलावा अराज 2 में कथित तौर पर दुश्मन की वायु रक्षा को दबाने के लिए डिजाइन की गई क्षमताएं हैं। अराज 2 की कुल लंबाई 4.5 मीटर है, जो 4 मीटर के विंग स्पैन के साथ आता है। इसका वजन 2000 किलो और रेंज 1000 किलोमीटर है। ये ड्रोन 30 किलोग्राम तक का वजन ले जाने में सक्षम है। रॉकेट इंजन के साथ इसमें 260 किलोग्राम तक विस्फोटक पैक किया जा सकता है। जेट इंजन द्वारा संचालित होने के कारण ये 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। कर्रार बहुमुखी जेट संचालित यूएवी का एक परिवार है। इसे हमला करने और टोही मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था। ड्रोन पहली बार साल 2010 में इसे ईरानी सेना में शामिल किया गया था। कर्रार ड्रोन मुख्य रूप से आक्रामक स्ट्राइकर के बजाय ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए ड्रोन को निशाना बनाने के रूप में संचालित किए जाते हैं। 2023 में कर्रार ड्रोन के एक उन्नत संस्करण का अनावरण किया गया था, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करके शत्रुतापूर्ण हवाई खतरों का पता लगा सकता है और उनका सामना कर सकता है। कर्रार की लंबाई 4 मीटर है। इसके पंखों की लंबाई 2.5 मीटर है। 700 किलो वजनी टर्बोजेट इंजन द्वारा संचालित ये ड्रोन 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर तक 225 किलोग्राम के एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो लेकर उड़ान भर सकता है। कमान 22 एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज UCAV है, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। ये एक मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान है। इसे साल 2021 में लॉन्च किया गया। ये ड्रोन ईरान का पहला वाइड बॉडी कॉम्बैट ड्रोन होने के लिए जाना जाता है। कमान 22 6.5 मीटर लंबा है और 2.5 मीटर ऊंचा है। इसके पंखों की लंबाई 17 मीटर है। इसका कुल वजन 1700 किलो और ये 300 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार 24 घंटे की उड़ान भरते हुए 8000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। ईरान के जखीरे में आज के जमाने के वो सारे अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं जो इसराइल के किसी भी कोने में जाकर तबाही मचा सकते हैं। शायद इसीलिए खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने अपने युद्धपोत आइजनहावर को लाल सागर में इसराइल के करीब तैनात कर दिया है।